अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी कुरकुरे। ये बहुत आसानी से बन जाता और बच्चों को बहुत पसंद आती है ये रेसिपी स्नैक्स। और इसे हम स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख के भी इसे खा सकते हैं। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ले ली इसमें आधा किलो मैक्रोनी। देखिए ये मैक्रोनी है, इसे हम ये आधा किलो है, इसे हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे पानी में और थोड़ा नमक डालेंगे, जिससे यह मैक्रोनी एक दूसरे से ना चिपके। अब पानी बॉईल हो रहा, हम इसमें आधे, ये बर्तन छोटा है मैं इसलिए इसे दो बैचेस में उबाल लूँगी और ये चिपक जाते इसलिए भी मैं दो बैचेस में उबाल रहा हूँ। फ्राई करने तक दूसरा बैच फिर उबाल लेंगे। ये देखिए ये हम इसमें डाल दिए, उबलने के लिए रख दिए। अब इसमें एक उबाल आ गया, हम इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे हो गया नहीं हुआ। देखिए 3-4 मिनट लगेंगे ऐसे होने। देखिए ये अब हो गया ऐसा, ये 75 to 80% हो जाना। अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं। इसे मैं छान ली और ठंडे पानी से इसे धो ली। देखिए आप ये बड़े भी हो गए साइज़ में। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैं एक कढ़ाई में ऑयल ले ली और इसे थोड़े थोड़े करके इस ऑयल में हम डाल देंगे। ये एक दूसरे से चिपक जाते इसलिए आप थोड़े थोड़े ही डालें। और इसे 2 मिनट के बाद हिलाएं। देखिए आप, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आती। एक बार खाए तो बच्चे बार बार खाना चाहेंगे। देखिए अब इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया, लाल हो गए ये। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए आप जब ऐसे ही ऊपर आ जाते इसका मतलब ये हो गए तेल पे ऊपर आ गए ये लोग। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसमें तेल रहता इसे इस तरह से निकालें, पूरा तेल ऐसे करते हुए निकालें, नहीं तो वो जो राउंड बने हुए हैं उसमें तेल रह जाता, मैक्रोनी में तेल रह जाता है, इसलिए ऐसा निकाल रहे हैं। देखिए ये थोड़े चिपके हुए हैं, हम इसे बाद में खोल लेंगे। अब हम सेकेंड बैच डालेंगे। देखिए ये सेकेंड बैच भी मैं डाल दी। अब इसी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। जो बची हुई मैक्रोनी थी कच्ची, मैं वो बाजू के स्टोव पे बॉईल कर ले रही और उसे भी छान के रख लेंगे। ये चिपक जाते हैं इसलिए ये आधे होने के बाद हम इसे बॉईल करेंगे। देखिए ये भी हो गए। अब हम इसे अच्छे से तेल निकाल के एक बर्तन में डाल लेंगे। बहुत ही झटपट बन जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। देखिए ये चिपक गए थे, मैं इसे इस तरह से अलग कर दे रही। इस तरह से आप अलग कर दीजिए, इसे बहुत कुरकुरे रहते। देखिए ये पूरे फ्राई हो गए, देख सकते आप लाल हो गए और पूरे अलग हो गए। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून मिर्ची, 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप आपके मुताबिक डालिए, अगर आप लोग कम खाते तो कम डालिए, मैं कम नमक ही डाल रही हूँ। और ये 3 टेबलस्पून चाट मसाला है, मैं चाट मसाला इसमें डाल रही हूँ। इससे इसका जायका बहुत बढ़ जाता, बहुत अच्छा जायका आता और बहुत ही टेस्टी रहते। बच्चे इसे फटाफट ख़त्म कर देते। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। अब ये हम डालने के बाद इस तरह से इसे अच्छे से मिला लेंगे, पूरे मसालों को मैक्रोनी के साथ मिला लेंगे। आप इसे मैक्रोनी कुरकुरे भी कह सकते। देखिए ये अच्छे से हम मिला लिए, पूरे मसाले अच्छे से मिल गए। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए आप, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह।
आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और दुआओं में ख्याल रखिए। देखिए ये बनके तैयार हो गया, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।